हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज हम जांगू में वही अपना न्यूज़ एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसका थोड़ा फ्रंट एंड पार्ट करेंगे। और जो हमने ये फंक्शन बनाया था गेट न्यूज़ API, इस डेटा को हम मॉडल में सेव कैसे करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो जिसने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हो तो डेफिनेटली वो पहले के वीडियोज़ देख सकता है, उससे आपको उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ है और ये क्या प्रोजेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू डोंट नो लाइक व्हाट्स न्यूटन स्कूल, न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं और इसमें आपकी जब तक जॉब नहीं लग जाएगी तब तक आपको कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी फी नहीं पे करनी, जैसे लिखा हुआ 0 फी टिल प्लेसमेंट। और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं, लाइक मीशो हो गया, मोटोरोला हो गया, ड्रीम 11 हो गया, टॉपर हो गया, अनअकैडमी हो गया, थॉट वर्क हो गया। तो आप ये इसको चेकआउट कर सकते हो, व्हाट्स न्यूटन स्कूल। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकता है या आपको आपके कैरियर को एक अच्छा जंप दे सकता है तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन द कोर्स। और रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें जिसको भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये सब चीज़ें सीखनी तो बहुत ईजिली आराम से इन सब चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे कि हमने मॉडल पहले बनाया हुआ है तो मॉडल में जो हमें डेटा हमने स्टोर करवाया था, सोर्स, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, पब्लिश एट, कंटेंट, इस डेटा को अब हमें क्या कराना पड़ेगा, HTML मॉडल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो जो यूटिल्स में हमने फंक्शन लिखा हुआ था उस फंक्शन से हमारे ये सब चीज़ें तो आ रही थी बट हमें इसे स्टोर कराना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम इसके इसमें जाते हैं, इस पर्टिकुलर URL को कॉपी करते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमें JSON रिस्पॉन्स मिलेगा जिसको यूज़ करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमें आर्टिकल्स मिल रहे हैं, हमने फॉर लूप करके सारे आर्टिकल तो निकाल लिए बट इसमें से हमें ये सारी चीज़ें भी निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स इज इक्वल टू आर्टिकल डॉट गेट सोर्स। सोर्स लेकर के आने के बाद में उसे हम उसमें से हमें चाहिए होगा क्या, नेम। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट गेट नेम, ओके। अब उसके बाद में सोर्स के साथ साथ हमें ऑथर चाहिए होगा तो ऑथर के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, ऑथर इज इक्वल टू आर्टिकल डॉट गेट ऑथर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, टाइटल आर्टिकल डॉट गेट टाइटल। देन उसके बाद में यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन को करेंगे कॉपी और लिखेंगे आर्टिकल डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद में यहाँ पे URL और URL टू इमेज पब्लिश टू और कंटेंट, ये वो चीज़ें हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। URL कॉपी करेंगे, URL टू इमेज पब्लिश एट कंटेंट, तीनों चीज़ को हमने कॉपी किया। अब इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट और इसमें हम बार बार इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये अपने कर्सर बढ़ाए हमने, फिर यहाँ पे इक्वल टू लगाया, आर्टिकल डॉट गेट जो भी चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, अभी हमारे पास डेटा आ चुका है, अब हम यहाँ पे बस हमें करना क्या होगा, आर्टिकल यहाँ पे करेंगे हम आर्टिकल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और इसमें ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पास कर देंगे। सो अब यहाँ पे करेंगे आर्टिकल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और इसके अंदर जो सारी की सारी चीज़ें हमने बनाई होंगी वेरिएबल्स में, इनको हम पास कर देंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट आर्टिकल्स और आर्टिकल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक बार रन करके देखते हैं शेल में, पाइथन मैनेज डॉट py शेल, और इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम होम डॉट utils from home.utils import
अब इस फंक्शन को रन करते हैं, इससे पहले हमें यू आर एल देना पड़ेगा। तो यू आर एल इक्वल टू, एक यू आर एल कॉपी कर लेते हैं ये वाली, और उसके बाद में इसको करते हैं पेस्ट, फिर उसके बाद में इसको करते हैं कॉपी, इसको अब रन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, रिक्वेस्ट जा रही है, नॉट नल कंस्टेंट फील्ड ऑथर, कहीं कहीं पे ऑथर शायद नन आया है मे बी, हाँ ऑथर तो हर जगह आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, नॉट कर्नल कंस्टेंट फील्ड ऑथर आर्टिकल डॉट गेट ऑथर, इसी के अंदर तो है आर्टिकल डॉट गेट ऑथर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑथर जो है वो नल पड़ा हुआ है, ऐसे ही कई जगह हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स में जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे नल ट्रू ब्लैंक ट्रू भी करना पड़ेगा हर जगह पे, क्या पता हो सकता है ये डेटा हमें मिले ना मिले, है ना, क्योंकि हम एक्सटर्नल एपीआई पे डिपेंडेंट हैं, उसके लिए हम यहाँ पे नल ट्रू और ब्लैंक ट्रू यहाँ पे ऐड कर देंगे हर जगह पे। ठीक है, नल ट्रू ब्लैंक ट्रू, अब इसको करेंगे कॉपी और उसके बाद करेंगे पेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसको भी करेंगे पेस्ट, फिर टेक्स्ट फील्ड मार्क्स, ओके इसको भी किया पेस्ट हमने, और हमें क्या करना होगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, ओके पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। ठीक है, फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, रन सर्वर की जगह पे अब हमने क्या किया हुआ है, बार बार लाइक शेल में जाने से अच्छा हमने फंक्शन को है अपने होम में ही कॉल करा लिया है, ताकि ये हमें यहीं पे आउटपुट देते, क्योंकि बार बार शेल में जाओ फिर इधर आओ फिर उधर आओ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है ना, उसके लिए हमने शेल में यहीं पे कर दिया हुआ है। और लाइक ये देखो रिक्वेस्ट जा रही है, वो पीछे बैकग्राउंड में क्रिएट हो रहे होंगे न्यूज़ ऑब्जेक्ट हमारे। अब हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल में, ओके स्लैश एडमिन, और वहाँ पे हम एक, अगर हमने सुपर यूज़र बनाया है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, सुपर यूज़र बना लेते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, ओके और उसके बाद इसमें एडमिन, ठीक है, जांगो एडमिन लॉगिन करते हैं अब, एडमिन पासवर्ड 123, और ये न्यूज़ मॉडल हमने रजिस्टर करवा लिया हो मे बी, आर्टिकल्स को हमने रजिस्टर करवा लिया है, तो अगर हम आर्टिकल्स में जाएंगे तो हमें सारे के सारे आर्टिकल हमें यहाँ पे रेंडर आउट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम पहले इसकी फ्रंट एंड की यूआई बना लेते हैं, ताकि हमें इसमें लाइक वो सब रेंडर कराना, मतलब न्यूज़ आर्टिकल पे लूप करा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और यहाँ से एक स्टार्टर टेम्पलेट को करते हैं कॉपी, ओके और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, उसके बाद में जब हम इस पे, अब हमें क्या करना होगा, हर बार बनने से ये कॉल करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया, अब चलते हैं इसमें कार्ड्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो कार्ड्स को करते हैं कॉपी, कार्ड्स की यूआई को इसको हम करते हैं कॉपी, div class of row, div class of call md of 6, और call md of 6 की जगह पे हम यहाँ पे कर सकते हैं 3, और इसके अंदर हम लाइक सारे आर्टिकल को इम्पोर्ट लूप करा देंगे, फॉर आर्टिकल इन आर्टिकल्स, और
एंड फॉर, अब इसके ऊपर हमें एक सारा डेटा हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तो लिखेंगे आर्टिकल डॉट जो भी हमारे लाइक जिसमें भी URL टू इमेज, इसको करते हैं स्टोर, यहाँ पे लिखते हैं URL टू इमेज और यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल डॉट, और आर्टिकल डॉट जो भी मैं यहाँ पे लाइक चीज़ें आर्टिकल डॉट टाइटल, आर्टिकल डॉट टाइटल, उसके बाद में यहाँ पे करेंगे आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक। फिर उसके बाद में अगर लाइक किसी को एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है तो वो इस पर्टिकुलर URL पे क्लिक करके अलग से जा सकता है, तो आर्टिकल डॉट URL सारी चीज़ें इसमें अब रेंडर आउट हो जाएंगी। अब बस हमें क्या करना होगा, व्यू में जो भी आर्टिकल हम भेज रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए भेज देंगे, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू आर्टिकल्स, कॉन्टेक्स्ट डॉट एड आर्टिकल्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या आर्टिकल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पेज पे जा करके देखते हैं कि क्या हमें डेटा मिल रहा है। ओके सो ये हमारे सारा का सारा डेटा अब आने लगा है, बट इनकी इमेजेस नहीं आ रही हैं। इमेजेस के लिए हमने यहाँ पे कुछ टाइपो मिस्टेक करी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सारे इमेजेस सारे न्यूज़ वगैरह आने लगे हैं। अब हमें बस करना क्या होगा, एक ऊपर एक क्लास और ऐड कर देते हैं कंटेनर की, और इसको करते हैं रीलोड, और दिव क्लास कॉल MD ऑफ 3 की जगह पे करते हैं 4। अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा ये सही हो गया, और हम चाहते हैं इसके अंदर लाइक लिमिटेड कंटेंट आए, उसकी जगह पे हम यहाँ पे ट्रंकेट यूज़ कर सकते हैं। ट्रंकैर जैंगो के अंदर होता है, ट्रंकैर को सर्च कर लेते हैं, TRU ट्रंकैर, ट्रंकेट जैंगो लिखेंगे तो ट्रंकैर मिल जाएगा, ठीक है। लाइक ये सब चीज़ें याद नहीं रहती, ये सब चीज़ें रैंडमली सर्च ही करनी पड़ती हैं, तो ट्रंकैर यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि ये लिमिटेड टेक्स्ट जगह, वरना कोई कार्ड हमारा बड़ा रहेगा कोई कार्ड हमारा छोटा रहेगा। इस चीज़ को कॉपी करते हैं ट्रंकैर को, और यहाँ पे करते हैं लाइक 20 पास कर देते हैं, फिर करते हैं पेज को रीलोड, ठीक है। तो ये हमें ये सारा डेटा आ गया। अब हमें बस करना क्या होगा, जो UI वगैरह आप लोग सही कर सकते हो, अब इसमें करना क्या होगा, जो भी लाइक ये न्यूज़ है ये हर लाइक एक दिन में आधे घंटे दो घंटे पे क्रॉन जॉब लगानी होगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डेफिनेटली डू चेक आउट व्हाट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, अगर यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। और जब हम लाइक इस पर्टिकुलर URL पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके जहाँ पे जो भी ये न्यूज़ लिखी होगी, जिस आर्टिकल में लिखा होगा, ये वहाँ की न्यूज़ हमें दे देगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।